सो गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। और कल रात में बहुत थक गए थे हम लोग। आज है वलीमा और वलीमा में काफ़ी सारी प्रिपरेशन होगी। आज शाम में रिसेप्शन है, तो ये ब्लॉग प्लीज़ पूरा देखिएगा, काफ़ी सारी चीज़ें देखने मिलेगी। बोलो जाओ, जल्दी भागो, तुरंत भागो। तो हम लोग जा रहे हैं मार्केट कुछ सामान लाने के लिए। अरे मेरे पास है ना पैसा। सो हम लोग आए टमाटर धनिया जो दोपहर में खाना बनेगा वो लेने के लिए। मैं और एक साथ में हूँ और तो गुड मॉर्निंग गाइस, आज लास्ट डे मतलब वलीमा का दिन। और आज सुबह से सब जल्दी उठ गए क्योंकि काम काफ़ी था, तो सब सुबह से जल्दी उठ गए। तो हम लोग आए थे बाज़ार शॉ लेने के लिए टमाटर वगैरह, तो वो ले लिए। बाकी तो सब हथियारा बना, कोई कुछ, कोई लोग गोश्त के लिए गए, कोई लोग मुर्गी के लिए गए, कोई लोग बकरा कटाने गए, तो बहुत सारे लोग अलग अलग काम में सब डिस्ट्रीब्यूटेड है। हम लोग आए थे बाज़ार करने के लिए, बाज़ार कर लिए, बस अभी जा रहे हैं घर पे जाके फिर अभी सब्ज़ी मंडी, पूरी सब्ज़ी मंडी और फ्रूट मंडी है और सुबह का टाइम है तो खाली एकदम। अब जाएंगे घर पे जाके फिर आगे काम देखेंगे। सो ये रात का फंक्शन का प्रोग्राम का सेटिंग है वलीमा। इतना बड़ा यहाँ पे स्पेस सब अच्छी है, तो वो जगह तो ऐसे ही छोड़ दिए खाली कि भाई नहीं चाहिए काइंड ऑफ। तो यहाँ प्रिपरेशन चालू है। तो ये पीछे जो है गेस्ट हाउस काइंड ऑफ है, दो तीन रूम है, मतलब दो तीन रूम काफ़ी है पर यूज़ कर सकते हैं जैसा चेंज वेंज करना है ये वो। और काफ़ी बड़ी स्पेस है, ये स्पेस जो पीछे वाली है तो पूरी ब्लैक है। हाँ हाँ, किधर है, बिस्मिल्लाह किया जाए पेरू में फिर। और इतना ही हिस्सा पार्ट, आधा ही समझो पूरे लॉन का यूज़ हो रहा है। यहाँ पे प्रिपरेशन चालू, डेकोरेशन चालू है, बाकी तो पूरा बंद है, पूरा लॉन बंद है। एंट्री है, ये जेन सेटअप है और ये जो स्पेस है पूरी इतनी बड़ी, यहाँ पे एक और शादी हो सकती है। वेस्ट है, फालतू पैसा है, मतलब पैसा में तो पैसा दे रहे हैं पर यूज़ नहीं कर रहे। ये हमारे अकबर भटियाना बम्बई से आए खाना बनाने। और ये लेडीज़ का है यहाँ पर, और पीछे खाना मतलब प्रिपरेशन चालू है, खाना बन रहा है। यहीं से निकाल के जाएगा और आराम से पहुँच गया हो। अकबर भाई, अकबर भाई खाने का। नहीं नहीं उससे कोई दिक्कत नहीं, ये फुल कराएंगे तो फिर इसमें कम लगा। सो गाड़ी से यहाँ पे 5:30 बज रहा है अभी, और 5:30 बजे तुमको दिखा दो कितना अंधेरा हो गया। एक मिनट, हाँ साढ़े पाँच बजे ऐसा लग रहा है कि शाम हो गई है लखनऊ में। सो अब तैयार होएंगे, सो गया था यार मैं बहुत सुबह जल्दी उठा, फिर हॉल गए, हॉल जाके आया तो मैं खाना भी नहीं खाया था, फिर सो गया। अब जो है हम तैयार होंगे और जाएंगे, वलीमा है आज रिसेप्शन जिसे कहते हैं, और फिर रिसेप्शन में शरीक होंगे इंशाल्लाह। फिर मेरी सुबह की है ट्रेन, एक्चुअली मैं जान रहा था गांव रिटर्न, बट क्या मूड नहीं बन रहा है मेरा, तो मैंने ट्रेन की टिकट करवा ली। अब मेरी ट्रेन है, मैं सीधा सुबह ट्रेन पकड़ के मुंबई। सो रेडी फॉर वलीमा, और रिसेप्शन के लिए रेडी हो गए, ये अटायर है। और उसके बाद अभी जाएंगे, गाड़ी आएगी, अपने लोगों को भेज दिया है, गाड़ी आएगी तो हम लोग जाएंगे। आज रिसेप्शन है और फिर सुबह में निकल जाऊँगा। तो सो फार सो गुड, मौसम बहुत अच्छा, ठंडी है इधर पे लखनऊ में, और आज दोपहर में बहुत अच्छी नींद हो गई मेरी, सुबह जल्दी उठा था तो दोपहर में सो गया, बट अभी निकलेंगे हम लोग उसके लिए रिसेप्शन के लिए। चलो थैंक यू। कैसा है, मस्त है ना? ये है एंट्रेंस, यहाँ पे जो है
हाँ हाँ यहाँ लेडीज है पूरा सेक्शन और ये यहाँ पे जेंट्स है। छोटू भाई कभी आ रहे हैं? पांच वाला है अभी पब्लिक आई नहीं है सो दैट्स द रीजन ये वीआईपी लोगों के लिए है जो वीआईपी आएंगे ये ब्रांड्स भी आए हैं मॉडर्न बेकरी वगैरह यहाँ पे पिज़्ज़ा वगैरह बन रहा है। ये सलमान भाई हमारे शेयर योर एक्सपीरियंस ब्रो चेप रेसिव हाँ यहाँ पिज़्ज़ा काउंटर है पिज़्ज़ा बन रहा है। हाँ मंत्री साहब का वीडियो ये अदनान कैसा था भाई साहब क्या क्या खाया क्या क्या खाया चाट अच्छा लगा कि नहीं चाट मेरे को सबसे अच्छा भाई चाट एक नंबर है भाई उधर पे चाउमीन भी है और इधर पे चाउमीन नहीं खा रहे पेट भर जाए। इधर पे क्या आइटम है डिलीशियस फूड है ना दिस इज टिक्की चाट काउंटर छे कर दो भाई अभी दो लोग और खड़े ना दिस इज यहाँ पे स्टेज है ये ओहो पार्टी लोग की फोटो शूट चालू है। तो गाइस अभी पहुंच चुके शादी में और माशाल्लाह खाने के लिए बहुत सारी आइटम है चाट है ये है वो है सब वीडियो में दिखाएंगे आगे क्या क्या है। मौसम बहुत अच्छा अच्छे ले मेहमान भी काफ़ी ज़्यादा नहीं मतलब इतना बड़ा ग्राउंड है तो 800-900 पब्लिक भी बस छुप जा रही है इतनी ज़्यादा नहीं है। मैं आपको लुक दिखाता हूँ हॉल का दो मिनट वीआईपी लॉन्जेस हैं और ऐसे ही सेम पीछे लेडीज का है पूरा खाली है। अनशॉप इधर पे है और इधर पे इधर को पब्लिक खींच रही है उनका उक्का बोलते हैं गाइस हो गया सब फंक्शन ख़त्म और मैं रिटर्न लखनऊ रेलवे स्टेशन पे बिकॉज मेरी ट्रेन है अभी यहाँ से 5 नंबर प्लेटफॉर्म से तो मेरे को सुरेंद्र भैया आए थे छोड़ और बहुत अच्छा फंक्शन था तो मैं वलीमे के रात की टिकट निकाल दी एक्चुअली कहाँ जाने वाला था बट फिर मैं कुछ रीज़न की वजह से नहीं गया लखनऊ से रिटर्न आ गया और गर्दी है लखनऊ स्टेशन में और बहुत अच्छा फंक्शन हुआ बहुत अच्छा बहुत लोग आए बहुत वीआईपी लोग की एंट्री थी बहुत मज़ा आया तो एवरीथिंग वाज गुड। चलो आगे की जर्नी ट्रेन में कैरी करते हैं भाई। यार तो बहुत भारी सीन हुआ मेरे को लग रहा था ट्रेन आई नहीं है मैं ऊपर ही खड़ा था प्लेटफॉर्म पे ए सी डी के ऊपर खड़ा था और ये ट्रेन यहाँ पे खड़ी थी मैं इसको 5 नंबर समझ रहा था
सो बट ट्रेन यहाँ पे खड़ी थी, बहुत सही जगह उतरी। B4 में मेरा डब्बा एकदम उससे उतरा हूँ, B4 सामने ही था। ये B4 ट्रेन चल रही है टाइमिंग के, हर ट्रेन आफ्टर चलती है पर ये ट्रेन B4 चल रही है। तो ये जाएगी लोकमान्य तिलक तक। तो अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेन मिल गई है, अब वे टू मुंबई। अल्लाह का शुक्र है सब अच्छे से हो गया, फंक्शन अच्छे से हो गया। तो रात में प्रोग्राम 3-3:30 बजे ख़त्म हुआ, मैं रूम पे गया, फटाफट बैग लिया, बैग कैरी करके सुरेंद्र भाई को दिया, उन्होंने गाड़ी से छोड़ा मुझे स्टेशन, और फिर मैं ट्रेन अभी 5:30 की कल सुबह 4:30 बजे तक कल्याण मुंबई टच। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग, बाय, अल्लाह हाफिज़।